हेलो एवरीवन, आज मेरे पास है विलियम लॉसन्स ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। कुछ नहीं पता मुझे इस विस्की के बारे में, कभी टेस्ट नहीं किया, कभी नाम नहीं सुना, कुछ भी नहीं पता। तो ये सबसे अच्छी जगह है मेरे लिए शुरुआत करने के लिए, इस विस्की को ट्राई करने के लिए। आपने शायद उस दिन देखा मेरा पुराना वीडियो या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं यार ये दो विस्कीज भी लेके आया था। एक ब्लैक एंड वाइट थी सेलिब्रेशन एडिशन एंड ब्लैक डॉग ब्लैक रिजर्व एडिशन, एंड मैंने दोनों दिन ये ट्राई करी पर मुझे दोनों की फील नहीं आई, तो इसलिए मैंने इसका वीडियो नहीं डाला। आप कहेंगे डालने के लिए तो मैं डाल दूंगा। सो प्लीज लेट मी नो इफ यू वांट टू वॉच बैड रिव्यूज फॉर बोथ ऑफ देम। बैड रिव्यूज बैड होंगे लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए होगा मुझे, तो कोशिश करना। खैर एनीवे, इसका रिव्यू नहीं है आज, ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लैक डॉग का रिव्यू नहीं है आज, इसका रिव्यू है विलियम लॉसन्स। तो एक मिनट मुझे दीजिए, मैं जाके 325 रुपीज़ 180 ml के लिए, मतलब तकरीबन इट्स नॉट एक्सपेंसिव, मतलब आप ज़रूर इसको अफोर्ड कर सकते हैं आई होप, और अगर नहीं कर सकते यार थोड़ा काम वाम कर लो, यू नो, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। मैंने हाल ही में एक पोल किया है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन 100 लोगों का उस पर मैंने पोल में ये पूछा था कि मैं कौन सी विस्की का आप रिव्यू देखना चाहेंगे। तो ऑप्शंस थी शिवस 15, शिवस 18, रेड लेबल, ब्लेंडर्स प्राइड एंड थम्स अप। थम्स अप के लिए पहले बहुत वोट आए, फिर शिवस के लिए आए 18 के लिए, रेड लेबल को बहुत कम वोट मिले और जीत गए आपका ब्लेंडर्स प्राइड, अभी तक जीत रहा है। तो जल्दी आप एक्सपेक्ट करिए ब्लेंडर्स प्राइड का रिव्यू। मैंने ब्लेंडर्स प्राइड कभी तमीज से नहीं पी और जब पी है उसको गालियां दी है। तो दरअसल बात यह है कि मैं बियर वाला बंदा हूं जो अभी विस्की को डिस्कवर कर रहा है, शायद इसीलिए मैं पानी ज्यादा डालता हूं, बर्फ के साथ बनाता हूं। मुझे खराब नहीं लगता, पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्यों, क्या रीजन है मेरे इस बिहेवियर के पीछे। और जब मैं बियर पीता था तो कई बार बियर ख़त्म हो जाती थी, तो फिर मेरे यार दोस्त कहते थे कि यार अब तो खाली ब्लेंडर्स पड़ी है, तो मैं एक दो पी जाता था ब्लेंडर्स ऐसे शक्लें बना के, और फिर जब बियर ख़त्म हो जाती थी मैं घर चले जाता था एक दो ब्लेंडर पी के। सो अपेरेंटली ये इम्पोर्टेड कंपनी है या विस्की है, matured and distilled in Scotland, William Lawson Distillers, Glasgow and Macduff. Company का नाम है Bacardi India. So Bacardi की sister company है, क्या है I don't know, but email address में Bacardi जरूर लिखा है. Distilled, matured and blended in Scotland. Excise bonded warehouse by Bacardi India, somewhere in Nanjangud, Mysore. क्या देश है हमारा, कैसे कैसे नाम आते हैं रोज, कोई देख रहे हैं आप नंजान गुण से, सॉरी ओके। स्मेल बहुत अजीब है इसकी, इसकी स्मेल मुझे जरूर किसी की याद आ रही है पर मैं भूल रहा हूं किसकी, मुझे ब्लैक लेबल की थोड़ी बहुत इसकी स्मेल याद दिला रही है। मैंने थोड़ा 30 ml से थोड़ा बड़ा पैक बनाया है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा हिट करे। जैसे कि आप देख सकते हैं कलर इसका काफ़ी सीजन्ड येलो कलर है। तो ये हमारा ड्रिंक बन गया, अब इसको ड्रिंक को बैठने देंगे कुछ देर, आप वेट करिए मैं आता हूं। जय बजरंग बली। ओके ओके, सीधा हिट, गुड टेस्ट, क्रीमी क्रीमी, डेफिनेटली इसका क्रीमी बटरी टेस्ट है, नॉट बैड मैन। इतनी बियर पी चुका हूं, मुझे विस्की पीनी नहीं आती, मैं सीधा डाउन कर देता हूं और यही प्रॉब्लम है मेरे साथ।
अब अगर मेरी पेस देखेंगे तो बहुत बहुत फास्ट पेस है मेरी विस्की की, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज इट गेट्स यू हाई एंड इट्स वेरी बैड बिकॉज इट गेट्स यू इनटू अ वेरी बैड हैंगओवर द नेक्स्ट डे एंड यू एंड अप ड्रिंकिंग मोर देन यू नॉर्मली वुड. तो इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, उल्टा मेरा एक मेरी की आदत है कि मैं 4-5 विस्कीज के बाद ना एक बियर ज़रूर पीता हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो भी हेल्प नहीं करती. पर एनीवेज हम काम ही ऐसा कर रहे हैं. अब मैं कोई आपको क्रिएटिव इंसाइट, कोई क्रिएटिव चीज़ तो कर नहीं रहा मैं जिसमें मैं आपको बताऊँ कि ऐसे करिए ऐसे करिए, डायरेक्ट करूँ. आई एम ड्रिंकिंग एल्कोहल एट द एंड ऑफ द डे एंड इट इज़ मोर गुड दैन इट इज़ बैड, बट इन द मोमेंट इट्स वेरी गुड. स्मोकी क्रीमी गुड टेस्ट, गिव्स यू गुड हाई. डेफिनेटली इसमें कोई सब्सटेंस है. मुझे याद दिला रहा है ये थोड़ा बहुत टीचर्स का और थोड़ा बहुत मुझे ये ब्लैक एंड वाइट की थोड़ी बहुत याद दिला रहा है, इस वाली ब्लैक एंड वाइट की नहीं, समथिंग रॉन्ग विद दिस. लेकिन जो मैंने ब्लैक एंड वाइट पी उसकी याद दिला रहा है, ब्लैक लेबल की मुझे याद नहीं दिला रहा, लेकिन स्मेल मिलती जुलती ब्लैक लेबल से. अच्छी बात यह है कि बड़ी ऑनेस्ट विस्की है ये, ऑनेस्ट बोले तो इट डज द जॉब एंड इट टेस्ट गुड. सो देर आर टू चेक बॉक्सेज हियर गाइस, टू चेक, इनफैक्ट 3 चेक बॉक्सेज. नंबर 1 चेक बॉक्स, नंबर 1 थिंग विच इट डज वेल इज दैट ये विस्की का हाई अच्छा है, स्मूथ हाई है, नाइस हाई है. एक के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये फेमिलियर टेस्टिंग है और ये काम कर रही है. नंबर 1. नंबर 2 इसका हिट एंड फील बहुत अच्छी है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा, मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ. आई एम फीलिंग वेरी रिफ्रेश्ड एंड आई एम फीलिंग वेरी अवेक नाउ. वेरी गुड ड्यूड. नंबर 3 प्राइस बहुत अच्छी है इसकी, 325 फॉर 180 ml. मतलब मान लीजिए आपको जिस दिन सिर्फ एक ड्रिंक, मतलब एक ही चीज़ ड्रिंक करनी है और आपके पास बहुत पैसे नहीं है, आप 325 रुपये में ये लेके आ सकते हैं, 350 मैक्सिमम. I think that's a pretty good deal. The bottle looks very good looking. I think it's a very good looking bottle. इन लोगों ने 5-10 रुपये बचाने के लिए कुछ किया नहीं है. इसकी तुलना मैं ज़रूर करना चाहूँगा कुछ विस्कीज़ के साथ, जैसे कि टीचर्स, जो कि मैंने इतनी बार पी है कि मैं बायस्ड उसकी तरफ. मुझे टीचर्स इसलिए पसंद है कि मैं इतनी बार पी चुका हूँ टीचर्स. और टीचर्स में एक why do I like टीचर्स, ग्रेट हाई, ग्रेट स्मेल, ग्रेट टेस्ट, ग्रेट प्राइस, ओवरऑल अवेलेबिलिटी भी अच्छी है उसकी. दिस इज गुड बिकॉज ये मुझे याद दिला रही है डूअर्स वाइट लेबल की. पर डूअर्स वाइट लेबल और इसकी कुछ ना कुछ काफी मतलब मिलती जुलती है. बट मैं बाकी चीज से कंपेयर नहीं करता, मैं भी इसी की बात करता हूँ. तो टेस्ट के लिए बहुत अच्छी है ये, डेफिनेटली इसमें मुझे यहाँ पे हिट आ रहा है. स्मोकी टेक्सचर है इसका, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रीम इन इट, ऑल्दो सब्सटेंशियल क्रीम इन इट. आई एम वेरी सैटिस्फाइड गाइस, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट, बिकॉज ये दोनों पीने के बाद तो मैंने यार कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि यार विस्की नहीं पीते कुछ दिन, और मैंने वही किया क्योंकि मेरे पास और कोई विस्कीज नहीं थी पीने के लिए. मेरी जो गोल्ड लेवल की बॉटल थी वो ख़त्म हो गई एनीवेज, और मैं बियर पी रहा था कुछ दिनों के लिए. सो गुड टेस्ट, गुड हाई, आई लाइक इट अ लॉट, आई रेकमेंड इट, देयर इज नथिंग आई डोंट लाइक अबाउट इट. इसको मैं B+ ग्रेड दूंगा, और अगर मुझे ये इसको सेकेंड या थर्ड टाइम जब मैं पीऊँगा फिर किसी दिन, अगर मुझे उतनी पसंद आएगी तो मैं ज़रूर इसको A+ ग्रेड देना चाहूँगा. So that is William Lawson's for you guys. This was a review for it. I hope you guys liked it and enjoyed it. Agar mera dil kiya to shayad main ek kuch der baad wapas aaunga second drink. तीसरी इसलिए क्योंकि सेकंड ड्रिंक मैंने 10-12 मिनट लगा दिए, क्योंकि मैं साथ में एडिट कर रहा था और साथ में वीडियो बना रहा हूँ. अच्छी बात नहीं है ये. तो इसको हम वेट करें या अभी पिए?
करीब हाफ मैं यूज़ कर चुका हूँ, मतलब लास्ट इसमें है, डबल बनाई है मैंने, तो अच्छी बात है यार। छः ड्रिंक 350 रुपये, शायद आपकी जगह अगर 400 भी देने पड़े तो इट्स नॉट बैड। ज़रूर एक दो बियर कैन भी ले आना साथ में, आप मौजूद रहेंगे, जिंदा रहेंगे, आवाज़ आएगी, कुछ आपको भी फील आएगी। सॉरी यार मैं थोड़ा ओके, फर्स्ट ऑफ द बैट फ़र्क ये होता है किसी प्रीमियम विस्की में और एक रेगुलर विस्की में, दैट द टेस्ट इज़ नॉट कम्प्लीट। ऐसा लगता है थोड़ी हाफ बेक टेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट बुरा है, लेकिन मैं यूज़ टू हूँ काफ़ी महंगी, कंपेयर टू दिस महंगी ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज पीने का, जैसे कि शिवस रीगल, जैसे कि आपकी नाम देने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, मतलब आप समझ लीजिए यार, समझ लो यार, मैं यूज़ टू हूँ थोड़ा मतलब बेटर विस्कीज पीने का। तो जब मैं ये पीता हूँ तो एक तरीके का बिटर फीका इनकम्प्लीट टेस्ट ज़रूर आता है, एक तरीके की अपोलोजेटिक टेस्ट ज़रूर आ रहा है, पर पहले ड्रिंक में नहीं आया, पता नहीं क्यों। देखिए क्रीमिनेस अभी भी है लेकिन कंप्लीट राउंडेडनेस नहीं है। अगेन ये मैं पहले भी कह चुका हूँ किसी और विस्की के बारे में, भूल रहा हूँ किसके बारे में मैंने कहा था, पर कहा था रिसेंटली, शायद रॉकफोर्ड के बारे में मैंने कहा था। रॉकफोर्ड इज़ वेरी गुड, वो इसके प्राइस से भी कम है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो डुअर्स वाइट लेबल ज़रूर बेटर है इससे, बिकॉज डुअर्स वाइट लेबल का टेस्ट कम्प्लीट है, कम्प्लीटली राउंड है। इसका टेस्ट थोड़ा 60% है, इट्स अ बिट ऑफ अ हिट और मिस, लेकिन इसका हाई बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी स्मोकी टेक्सचर, इट्स क्रीमी एट द सेम टाइम, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट डज द जॉब एंड इट गेट्स यू ड्रंक। सो आई क्वाइट लाइक दिस विस्की। मेरे ख्याल से आज मैं शायद ये बॉटल ख़त्म कर दूंगा, जो कि होंगे आपके 6 ड्रिंक, और शायद बीच में एक मैं कैन ज़रूर पीऊँगा, पता नहीं शायद गॉडफादर का पीऊँगा नहीं, मैं डरता हूँ कसम से, डरता हूँ मैं उससे। यार खाली विस्की पीऊँ आज मैं, आज मैं खाली विस्की पीता हूँ। 83 किलोज़ भी हो गए, 83.1 किलोज़, आई वांट टू लूज वेट मैन। तो रही बात मेरे चैनल की, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, इफ़ यू थिंक इट्स वर्थ योर टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब। मैंने एक नई चीज़ करनी शुरू की है यारो, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, इस इज़ कम्प्लीटली इरेलेवेंट टू वॉट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, बट इट्स अ न्यू थिंग, सो टाइम आउट। बात यह हुई कि मैंने एक मशहूर ऑथर है युवाल नोआ हरारी, उनकी एक बुक आई थी सेपियंस, एंड उसके बाद एक बुक आई थी होमोडियस, एक बुक आई थी उसके बाद 21 लेसन फ्रॉम द 21st सेंचुरी। ही इज़ अ हिस्टोरियन, अ फिलोसोफर, अ प्रोफेसर फ्रॉम इज़राइल। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनका एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उन्होंने पॉडकास्ट में बहुत अजीब चीज़ बोली जो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई। ही सैड कि डोंट गो बाई यूट्यूब एल्गोरिदम रिकमेंडेशंस एनी मोर, फाइंड योर मटीरियल दैट यू केम टू फाइंड एंड डोंट गो बाय द रिकमेंडेशंस। तो मैं आपसे भी ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप जाके YouTube के टॉप 6 सिलेक्टेड या ट्रेंडिंग में जाके आप ढूंढते क्या वीडियो देखना है, तो वो करना बंद कर दीजिए, अपना दिमाग लगाइए थोड़ा, खुद जाके ढूंढिए क्या आपको देखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको, आप जिस जो काम करने आए थे YouTube पे वो आप कर पाएंगे, ना कि जो YouTube चाहता है आप करें। लेकिन ये बात YouTube तक सीमित नहीं है, ये बात हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपके सामने जो रखा हुआ है आप वो क्यों पढ़ेंगे, आप जाके कुछ और देखिए, कुछ और सीखिए, कुछ और करिए। इससे क्या होगा कि आपकी एक तरीके से इंडिविजुअलिटी बरकरार रहेगी, ना कि आप ऐसी चीज़ देखेंगे या ऐसी चीज़ परखेंगे जो आपके दोस्त भी कर रहे हैं। तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि आप रेकमेंडेड एल्गोरिथम पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। अब मैंने क्या किया है मैं आपको ये बताता हूँ। मैं नहीं क्लिक करता किसी रेकमेंडेड वीडियो में अनलेस मुझे 100% इंटरेस्ट है उसको देखने में, और इससे कहीं ना कहीं एक तबाही आ गई है मेरे YouTube यूज़ करने की के एल्गोरिथम पे।
अब माफ़ी चाहूँगा अगर मेरा वीडियो रेकमेंडेड पे आया और मैं कहूँगा कि क्या करें यार, जो मैं आपको कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे पे भी लागू है और मेरे चैनल पे भी लागू है, पर मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ भाई, मेरे कोई इतने फॉलोअर्स तो है नहीं कि सब बोलेंगे यार इसका तो है इतने सारे फॉलोअर्स है। कई लोग 10-20-90 हज़ार 100,000 करके भी कोई बंदा है, किसी के 300,000 हो रहे हैं, वाओ मैन, आई एम सेइंग वाओ, बट कहीं ना कहीं मैं हेट करता हूँ सबको, आई हेट ऑल ऑफ देम। हाँ तो चीयर्स गाइस, मुझे ये सब मत कहना हेल्दी कॉम्पिटिशन ये होगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे खाली अपने से मतलब है, अपने सक्सेस से मतलब है, किसी से और से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई विलियम लॉसन्स विस्की रिव्यू, आई होप यू लाइक दिट, आई होप यू लाइक मी इनफ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू डिडंट, आई ट्राइड मैन, ड्यूड व्हाई एम आई सो अपोलोजेटिक, एनीवेज गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, चीयर्स, आई रियली लाइक दिस विस्की, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू गो आउट एंड बाय दिस एंड डेफिनेटली ट्राई इट, I really think it's worth it. By the way, we are no longer shooting from my Sony camera. We are back to using the iPhone. And the reason for that is just convenience, man. This is not convenient for me. I'm probably going to sell this. Chaliye. Chaliye, chaliye. Main zyada nahi karta main. Goodbye.